मिर्च की फसल में कर्ली लीफ रोग का वायरस लगा हुआ है और इस वायरस से मिर्च के पौधों को किस तरह से बचाएं, क्या है मंत्र, उस सब पर सलाह देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर JPS डबास, जो कि पूसा में सीनियर कृषि वैज्ञानिक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डबास साहब किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि हमने ये रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से जो किसान हैं वो कर्ली लीफ जेमिनी वायरस के प्रकोप से परेशान है, खासतौर से जो मिर्च का पौधा है उसमें ये रोग देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से बचाव करें? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितनी भी हमारे विषाणु वाली जनित बीमारियां हैं, यानी कि जो वायरस वाली बीमारियां हैं, इन सबका कोई भी उपचार बीमारी आने के बाद नहीं है। हमें कोशिश करनी होती है कि बीमारी खेत में ना आए, तो जितने भी सावधानियां हैं वो बीमारी आने के पहले की हैं या बीमारी आने के बाद में हम उसको फैलने से कैसे रोकें। ये जितने भी विषाणु जनित रोग हैं या वायरस वाली बीमारियां हैं, ये सभी फैलती हैं एक सफेद मक्खी से, और सफेद मक्खी के साथ साथ जिस वायरस की आप बात कर रहे हो, खासकर मिर्च में जी, तो उसमें माइट भी काम आते हैं, माइट भी फैलाते हैं, और एक दूसरे कीड़े हैं वो भी इस बीमारी को फैलने का पूरा काम करते हैं। इस साल क्योंकि बारिश कुछ ज्यादा रही, मौसम काफी नम और गर्म था, तो ऐसी जो मौसम होता है वो इस कीड़े के फैलने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, तो ये कीड़ा जल्दी से फैला। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को पहले इसकी सावधानी लेनी चाहिए थी। अब तो हम इतना ही कर सकते हैं, अगर मिर्च का भाव अच्छा चल रहा है तो इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं, लेकिन वायरस की बीमारी को खत्म करना नामुमकिन है, संभव नहीं है। और इसको अगर आपको रोकना है फैलने से, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी फसल को एक तो असली अच्छी पौष्टिक खाना दें, साथ साथ में हमें जितने वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं, जैसे सफेद मक्खी है या माइट है या जो दूसरे हमारे कीड़े हैं जैसिड वगैरह, उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं ये इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला आवश्यक कदम ये है कि या तो हम नीम का कोई भी हमें उपयोग लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं जी, उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो ये इन कीड़ों को, नीम जो दूर भगाता है, जहाँ पे नीम का छिड़काव होगा वहाँ पे कीड़ा बहुत कम आएगा, जब कीड़ा नहीं आएगा तो बीमारी नहीं फैलेगी जी। दूसरी बात ये है कि आजकल नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बहुत सारे ऐसे देसी कीट कीड़ों को दूर भगाने के लिए चीजों का प्रयोग किया जाता है, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है जी। इसके साथ साथ में आप अपने खेत में येलो स्टिकी ट्रैप अगर वो लगाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं ये पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं। ये येलो स्टिकी ट्रैप किस तरह से लगेगा खेत पे? फंस जाते हैं। आप क्या कहने जा रहे थे? जो येलो स्टिकी ट्रैप के बारे में आपने बताया, ये शीट किस तरह से खेत में लग सकती है? ये जो येलो स्टिकी ट्रैप्स है, ये किसी भी लकड़ी में खेत में टांगे जा सकते हैं, फसल से लगभग एक फीट ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर टांग देंगे या दूर टांग देंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर एक फुट के अंदर ऊपर टांगते हैं तो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये सामान्यतः पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं, और पीले रंग पे जब जाके बैठेंगे स्टिकी ट्रैप पे, तो वहां से उड़ नहीं पाएंगे और वहीं चिपक के रह जाएंगे। इससे आपने जहर भी नहीं डाला और कीट का नियंत्रण भी होगा, साथ साथ में कीट की मॉनिटरिंग भी हो जाएगी कि आपके खेत में लगभग कितने कीट लगे हुए हैं जी। तो इसके लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, ये बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको ट्रैप ना मिले तो आप खुद भी अपना ट्रैप बना सकते हैं कि कोई भी पीले रंग का किसी लोहे के पतरे पे अच्छी तरह उसको पोत के पीला रंग कर दें, और करने के बाद में उसपे ग्रीस या कोई भी चिपकने वाली चीज लगा देंगे जी, तो उससे भी आपके कीड़े जो है उस पीले रंग की तरफ आएंगे और उड़ नहीं पाएंगे और चिपक जाएंगे, तो वो भी आप बना सकते हैं।